नमस्कार, सक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन अंतिम चरण में है। आतंकवादी ढूंढ ढूंढ कर ठोके जा रहे हैं और उन्हें पनाह देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग जो नाम बदलकर कश्मीर में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी तबाह किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा से संबद्ध आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के नेटवर्क को नष्ट करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि इस समूह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय कुमार की हत्या का महिमामंडन करने वाला पोस्टर जारी किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जाँच एजेंसी TRF के वित्त प्रवाह को रोक रही है और उसके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर में इस नेटवर्क को नष्ट किया जा सके। हम आपको यह भी बता दें कि पुलवामा जिले में 55 राष्ट्रीय राइफल के एक दल के साथ हुई मुठभेड़ में कश्मीरी पंडित संजय कुमार की हत्या में शामिल इस नेटवर्क के दो आतंकवादी आकिब मुश्ताक भट्ट और एजाज अहमद भट्ट मंगलवार को मारे गए थे। देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उनकी हत्या के कई मामले सामने आए हैं। संजय कुमार अपने समुदाय के उन कुछ लोगों में शामिल थे जो 1990 के दशक में आतंकवाद संबंधी हिंसा की शुरुआत के दौरान यहाँ से नहीं गए थे। हालांकि कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स यानी KFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन सुरक्षा बलों को TRF के कुछ पोस्टर मिले हैं जिनमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों का महिमामंडन किया गया है। सुरक्षा एजेंसी का मानना है कि स्वयं को KFF का सदस्य बताने वाले ये आतंकवादी वास्तव में TRF के सदस्य थे। सूत्रों ने बताया कि TRF के आतंकवादियों और वित्त पोषकों पर नजर रखने के लिए मानव खुफिया और तकनीकी खुफिया संसाधनों समेत सभी संसाधन तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को भगोड़े आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटराम के श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में स्थित मकान को कुर्क कर लिया। हम आपको बता दें कि लटराम को 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के विमान के बंधक बनाए गए यात्रियों के बदले में दो अन्य आतंकवादियों के साथ रिहा किया गया था। पुलिसकर्मियों ने जरगर उर्फ लटराम के मकान पर कुर्की की सूचना चस्पा कर दी थी। लटराम के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 540 वर्ग फुट के भूखंड पर स्थित इमारत को कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि लटराम 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में अपनी भूमिका के कारण सुर्खियों में आया था। 1999 में अफगानिस्तान के शहर कंधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के विमान के बदले में जैश प्रमुख मसूद अजहर और हरकत उल मुजाहिदीन के प्रमुख उमर सईद शेख के साथ रिहा होने पर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। लटराम को पिछले साल अप्रैल में सख्त UAPA के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। इस कदम से सुरक्षा एजेंसियों को उसकी संपत्ति कुर्क करने का अधिकार मिला। पिछले साल गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि जरगर अपने संपर्कों और अलकायदा तथा जैश ए मोहम्मद जैसे कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों से निकटता के कारण न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में शांति के लिए खतरा है और केंद्र सरकार का मानना है कि वह आतंकवाद में शामिल है। 1990 के दशक की शुरुआत में खूंखार माने जाने वाले जरगर ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से नाता तोड़ लिया था और अपना खुद का अल उमर मुजाहिदीन आतंकी समूह बना लिया था। इसके अलावा कश्मीर में विशेष जांच इकाई यानी SIU ने श्रीनगर में इस सप्ताह चार मकानों को कुर्क किया जिनमें आतंकवादी छिपे हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि SIU के अधिकारियों ने जिन चार मकानों को कुर्क किया है उनमें से तीन श्रीनगर के बरथाना इलाके में स्थित हैं जबकि चौथा शहर के संगम ईदगाह इलाके में है। आतंकवाद से संबंधित मामले की जाँच के बाद यह कार्रवाई की गई है क्योंकि आतंकवादियों को छुपाने और अन्य सहायता प्रदान करने में एक मॉड्यूल शामिल पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अधिकारियों ने कहा जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आतंकवादियों को उक्त मकानों में पनाह दी गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।